जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीएम व्लॉग यूट्यूब चैनल पे गाइस। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। जैसा कि आप सभी को पिछले व्लॉग में बोला था कि ट्रेन का सफर आने वाला है कुछ दिन में, तो ट्रेन के थ्रू ही जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था गोरखपुर तो मैं बस के थ्रू था। मास्क लगा लिया तो थोड़ा आवाज़ रुक गया महसूस कर। और ट्रेन जो जस्ट मेरे सामने खड़ी है, सीहोर की ट्रेन है। मुझे यहाँ से जाना है बनारस और मैं इसको दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि दो पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कितना अच्छा लग रहा है और कितनी सुरक्षा है ट्रेनों में। और अभी तक तो बॉडी सैनिटाइज वाली सिस्टम तो नहीं हुई है यहाँ पे, बॉडी भी नहीं सैनिटाइज हुई है ना ही सामान चेक हुआ हमारा। तो अब देखिए कैसे बनारस में कैसा होता है। गोरखपुर में तो अभी हमको लगा ऐसा कुछ नहीं है। और जो ट्रेन है उसकी वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। और ट्रेन के अंदर जाके सारा सामान रख चुका हूँ, तो अंदर जाके मैं बैठ जाऊँगा। और अभी खिड़की की तरफ सीट मिला है तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई चलते हैं बनारस का और सफर दिखाते हैं आप सभी को कितना मज़ा आता है। और ब्लॉग वाली ट्रेन में आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है गाइस, आप सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो ट्रेन का नंबर और जो नाम है, ट्रेन का नाम है गोरखपुर अहमदाबाद COVID-19 स्पेशल है। और ये इसका गाड़ी नंबर है 09090, मतलब 09090 है। तो अगर किसी को टिकट रिजर्वेशन बुक करवाना होगा गोरखपुर टू अहमदाबाद या बनारस के लिए, तो आप सभी 09090 डाल के इसको बुक कर सकते हैं। और फिर से बता दूँ, गाड़ी का जो नाम है गोरखपुर अहमदाबाद COVID-19 स्पेशल है। तो आप सभी बुक कीजिए। और जो ट्रेन है वो मेरे सामने खड़ी है, अभी जाना आराम से बैठना, क्योंकि 10 बजे यहाँ से स्टार्टिंग टाइम है और लगभग 3 बजे तक ये बनारस पहुँच जाती है। और बात करें इसकी स्टॉपेज, तो स्टॉपेज कहीं पे भी नहीं है गाइस, सीधे गोरखपुर टू बनारस है। और उसके बाद का मुझे पता नहीं, जो कि आप लोग वेबसाइट पे या कि ऐप पे जाके देख सकते हैं IRCTC के। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। और जो सफर है आप सभी को दिखाएंगे, बहुत ही मजा आ रहा है। खिड़की साइड सीट है, सिनेप्टिक शॉट एक से दिखाएंगे, तो ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, ये रही हमारी ब्लॉग और अभी हम लोग यहीं से चढ़ेंगे। दूसरा कोच पार करने के बाद नहीं वो है, ये रहा अपना सीट। सुबह जैसे ही हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो हम लोग उसमें रामगढ़ताल पार करते हुए भटनी जंक्शन पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपके उसी मिनट स्पॉट में दिख रहा होगा, तो ये भटनी जंक्शन है और यहाँ पर अधिक भीड़ भी तो नहीं है। तो आइए आगे का सफर दिखाते हैं और सीमेंट स्पॉट इंजॉय कीजिए, तब तक लेट स्टार्ट। रोड पार करते हुए हम लोग मऊ जंक्शन की ओर पहुँचते हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ और मैं दूर से देख पा रहा हूँ, जैसे कि जूम कर दिया हूँ, यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छी है और येलो कलर में सर्कल बने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है और तो आप लोग आगे किसी मिनट शॉट इंजॉय कीजिएगा। सो गाइस, ऐसे ही अभी हम लोग ट्रेन के साउंड और उसकी आवाज़ों को सुन के हम लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। और मऊ जंक्शन को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू जंक्शन आता है, जो है हमारा औरनिहार जंक्शन। और तो यहाँ से ट्रेन स्टॉपेज नहीं, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, यहाँ पर बहुत स्टॉपेज कम है, तो ये ट्रेन बहुत स्पीड में आगे निकलती है। तो आगे से मुझे शॉर्ट इन्जॉय कीजिएगा।
वैसे भी हम लोग बनारस सिटी एंटर करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बनारस कैंट भी करते हैं, जैसे कि गोरखपुर कैंट है। तो यहाँ एंटर करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप है वाराणसी स्टेशन, तो हम लोग को वहीं उतरना है, तो वहाँ उतर के आप सभी को दिखाते हैं। तब तक के लिए फाइनली गाइस, इतने घंटे के सफ़र के बाद अभी हम लोग वाराणसी स्टेशन पहुंच चुके हैं। और यहां पे मुझे लगभग लग रहा है कि देखिए आप सभी को बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही होंगी, और वाराणसी स्टेशन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहां से नीचे उतरते हैं, तो आइए उतर जाएं, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग वाराणसी स्टेशन पे यहाँ पे उतरे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेन देखी जिसका नाम है, आप सभी जान रहे हो, वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसका ये देख लीजिए कितना वो टूट फूट गया आगे से इंजन, न्यू गाड़ी को सब खटारा करके रख चुके हैं। तो इंडिया की जनता की कुछ ऐसी ही है, ये देखिए। तो अभी जा रहे थोड़ा सा इधर, थोड़ा टहल रहे थे, देख रहे थे वाराणसी स्टेशन का जो लुक है वो मैं देखना चाह रहा था, और थोड़ा वंदे भारत भी देख लिया इसी बहाने, और आप सभी को भी दिखा दिया। फाइनली हम लोग वाराणसी स्टेशन में पहुंच गए हैं, वाराणसी स्टेशन जिसे कि हम लोग पहले बनारस के नाम से भी जानते थे। और लगभग हम लोग वहां से 10 बजे ट्रेन निकल गई थी टाइमिंग पे, और यहां मुझे टाइमिंग से पहले पहुंचा दिया, जिसकी टाइमिंग थी यहां पे बनारस पे 3 बजे, सो मुझे पहुंचा दिया यहां पे 2 बजे। मैं खोल दूं तो वॉइस थोड़ा क्लियर आएगी, उधर स्टेशन के बीच में था तो मास्क लगाना जरूरी था, क्योंकि स्टेशन पे बहुत अच्छी यहाँ पे चेकिंग है, और ये पुलिस की चेकिंग है, पुलिस की दरबार है। तो यहाँ पे जैसे कि बोर्ड लगा है वाराणसी जंक्शन, तो मैं सोचा थोड़ा साइड में आ, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों का हॉर्न है और बहुत ज्यादा गाड़ी खड़ी है, जैसे कि आप से पीछे देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ पे पूरी गाड़ी खड़ी, ये वंदे भारत खड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी ट्रेन की भरमार है। और हम चलते हैं वाराणसी स्टेशन के थोड़ा बाहर भी, तो देखेंगे क्या कैसा है, कितना मजा आता है ब्लॉग से शूट करने में। और ब्लॉग थोड़ा अभी एंडी होने वाला है, तो सफर कैसा लगा आप सभी को बताइएगा कमेंट में, बहुत मजा आने वाला है। और न्यू ब्लॉग भी, इसका पार्ट 2 जो है वो भी आ जाएगा जल्दी, उसको भी यहीं से ट्रेन बैठना मुझे, तो यहाँ से जो ट्रेन है उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आया था आप सभी के शूट करने के लिए, तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि वीडियो को एंड कर दें, क्योंकि अभी जो है वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, तो आप सभी को देखने में थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मैं यहाँ से जो दूसरी ट्रेन बैठूंगा उसका पार्ट 2 ब्लॉग इसी चैनल पे आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो जो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसी लगी, और पार्ट 2 बताइए कितने दिन में आना चाहिए, तो वो भी मैं 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा गाइस। तो अब वो जो ट्रेन है ना, बहुत लेट है गाइस, वो जो ट्रेन है लगभग आएगी रात के 8:30 बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा। 3 बजे मैं उतर के यहाँ पे बहुत जल्दी, तो 4-5 घंटे लगभग थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ, और जो बनारस का सीन है, जो बनारस का लुक है, वो आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, उसके लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो देखिए ये सब कुछ ऐसा ही लुक है, उधर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, पापा सब वहाँ पे बैठे, पापा और भाई सब है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही साउंड हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बैठना चाहा, और ये सब पीछे का हिस्सा है, तो मैं साइड में आके शूट कर ले रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।